हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए एक सुंदर सी कहानी लेकर। तो चलिए कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है तिवारी का तोता। काशी की पवित्र नगरी में पंडित तिवारी रहते थे। उनके पास एक तोता था। तोता तिवारी के पिंजरे में रहता था। तिवारी का दिया हुआ खाना खाता था और तिवारी की ही बोली में घर वालों से बात करता था। एक दिन एक जंगली तोता पिंजरे के सामने आकर उससे कहा कि तुम्हारी सूरत तो हमसे मिलती है पर स्वभाव नहीं मिलता, तुम्हें किसी ने कैद कर रखा है। पिंजरे के तोते ने उत्तर दिया कि तू जंगल में रहता है और मैं इस मजबूत मकान में रहता हूँ। जंगली तोते ने उसे धिक्कारते हुए कहा कि तुम्हारी देह और आत्मा कैद है। मैं यही बताने आया हूँ, तू खुले आकाश में विचरण नहीं कर सकता, तूने कभी जीवन का आनंद नहीं प्राप्त किया, तुम्हें अपने मालिक की इच्छा के अनुसार जीना है। पिंजरे का तोता अपने मालिक की प्रशंसा करने लगा। मालिक मुझे खिलाता पिलाता है, बिल्लियों के प्रहार से बचाता है, मैं पिंजरे में इच्छा से घूम सकता हूँ, पिंजरे में मेरा राज है, मैं गुलाम नहीं हूँ। जंगल के तोते ने उसे समझाया कि किसी दिन मालिक की बात ना सुनने पर, उसकी बोली में जवाब ना देने पर भयंकर परिणाम हो सकता है। पिंजरे का तोता निश्चय किया कि आज वह किसी की बात ना सुनेगा, किसी की बोली ना बोलकर सिर्फ अपनी बोली बोलेगा। तिवारी का बेटा आकर तोते से बात करने लगा, पर आज तोता उसकी बोली में उसकी बात का जवाब ना दिया। तिवारी के बेटे ने लोहे की सीख लेकर तोते को बार बार चुभोई, पर तोता घाव खाता रहा किंतु उसकी बोली में उत्तर ना दिया। परिणाम स्वरूप घाव सहकर तोता मर गया। दूसरे दिन जंगल का तोता आकर देखा और कहा कि गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता है तो उसका यही हाल होता है। मरे हुए तोते की आत्मा ने जंगल के तोते को चूरी देने की बात कही, क्योंकि उसने एक कैदी को छुड़ाया और मुर्दे को जिंदा किया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि गुलामी करना किसी को पसंद नहीं होती। तो इसी के साथ अलविदा दोस्तों, फिर जल्द ही मिलेंगे।